हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाजिर हूँ एक बार फिर से अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये एक छोटी सी वीडियो है जो कि मेरी तरह उन यूज़र्स के लिए है जिनके पास गैलेक्सी S20 सीरीज़ का कोई फ़ोन है। मेरे पास गैलेक्सी S20 प्लस है। सैमसंग ने फाइनली गैलेक्सी S20 सीरीज़ के लिए भी अपना वन UI 4.0 रिलीज़ कर दिया है जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 12 पर। मैं थोड़ा डिले हो गया हूँ ये वीडियो बनाने में। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपने गैलेक्सी S20 सीरीज़ के फ़ोन के लिए UI 4.0 डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको इसके लिए सैमसंग मेंबर्स की ऐप चाहिए। एक बार जरूर चेक कर लें कि आपकी सैमसंग मेंबर्स की ऐप अप टू डेट है, क्योंकि तभी आप बैनर में देख सकेंगे कि UI बीटा 4 आपके लिए अवेलेबल है। सैमसंग मेंबर्स ऐप में जाइए, बैनर देखिए, या आप नोटिस को भी चेक कर सकते हो जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप बैनर पे सिंपली देखिए, उसको क्लिक करिए। इसमें आप देख सकते हो बीटा प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, उसकी गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है। बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली इमेज पर क्लिक करना है जैसे मैंने किया है। नेक्स्ट विंडो पर भी आपको सेम गाइडलाइंस दिखेंगी। अभी आप देख सकते हैं मेरा बॉटम में बटन आ रहा है, उसमें विथड्रॉ लिखा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है ये प्रोग्राम। जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे तो आपका यहाँ पर ज्वाइन बटन आएगा। सिंपली ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए। मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो 6-7 आवर्स के बाद ही अपडेट मेरे को मिली थी, लेकिन अभी इस बात को कुछ दिन हो गए हैं तो अभी आपको इंस्टेंटली मिल सकता है। सिंपली आप सेटिंग्स में जाइए। मेरी वीडियो में आपको ऊपर भी दिख रहा होगा कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट इज अवेलेबल। वो इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपडेट इज अवेलेबल। ये पूरा चेंज लॉग है कि क्या क्या चेंजेस आपको इस एंड्रॉयड 12 बेस्ड UI 4 में मिलेगा। ये अपडेट अराउंड 2.5 GB का है। इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखूंगा और सारा चेंज लॉग नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ जो आपको फर्स्ट टाइम ही चेंजेस दिखेंगे सिर्फ वही बताऊंगा। सबसे पहले आप जो नोटिस करोगे वो है ब्राइटनेस का स्लाइड बार। इसके अलावा कुछ ऐड ऑन्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक्स्ट्रा डिम, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके लिए गौर करने वाली बात है वो है वॉलपेपर सेक्शन। हालांकि वॉलपेपर्स आपके पुराने ही हैं, लेकिन आपको एक नया ऑप्शन मिलता है कलर पैलेट का। ये गूगल एंड्रॉयड 12 का मटेरियल यू का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जिसमें आप जो भी वॉलपेपर सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके बाकी आइकन्स या आपके जो ऊपर बटन के कलर्स भी, वो भी आप चेंज कर सकते हो। आपको 4 ऑप्शंस अलग से कलर पैलेट के देता है आपका सिस्टम। इनमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो, और उसके बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन देता है कि आप ये कलर पैलेट अपने ऐप के बटन्स पर भी अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। इसके अलावा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फंक्शन जो आपको स्ट्रेट अवे जैसे ही आप UI 4 इंस्टॉल करते हो तो आपको करना चाहिए, वो है बैटरी सेक्शन में, जो कि है प्रोटेक्ट बैटरी का। ये आपके फोन को ओवरचार्ज होने से बचाएगा, विच मीन्स कि आपकी बैटरी भी प्रोटेक्टेड रहेगी। इसके अलावा जो आप नोटिस करोगे वो है जब भी आप कोई ऐप खोलो और अगर वो ऐप आपका माइक्रोफोन या कैमरा यूज करती है तो आपको स्क्रीन पर सबसे ऊपर वो दिखाई दे जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। बाकी जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आती है बीटा के ऊपर, क्योंकि सैमसंग ने अभी फर्स्ट बीटा ही रिलीज़ किया है गैलेक्सी S20 के लिए, सेकेंड अपडेट आते ही मैं बिल्कुल अपडेट करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।